मैं आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके सामने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत हो पाया। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक का जो कालखंड है, जो कालावधि है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। और भारत को आज़ाद हुए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ये हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और उत्सव का माहौल पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय में, आज़ादी के अमृत बेला के विषय में इस देश को अवगत कराया था। और उनकी मनसा कि किस प्रकार देश में एक उमंग, एक उत्सव, एक ऊर्जा का माहौल बने, उसके विषय में हमें बताया था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा, यह अभियान लिया गया है। मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा इस अभियान का है कि किस प्रकार समग्र भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों के ऊपर हम हमारे आदरणीय तिरंगे को लहरा सके, फहरा सके और गर्व के साथ उसे देख सके, निहार सके और संदेश भेज सके कि हम सब एक हैं। जम्मू कश्मीर में मेरा कल आना हुआ, कल मैं कश्मीर में था। कश्मीर में भी हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जम्मू में भी आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बैठक हुई। यह कार्यक्रम सरकार का है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम हर भारतीय का है। और आज मैं जम्मू में भी अपील करता हूँ कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इंस्टीट्यूट या संगठन, हर कोई आगे बढ़े और किस प्रकार से हर घर हम तिरंगा फहरा सके, इसके विषय में सहयोग करें। यह जो कार्यक्रम है, यह जो अभियान है हर घर तिरंगे का, यह 9 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाएगा। इसको तीन कालखंड में बांटा गया है। 9 से 11 तक एक अवेयरनेस कैंपेन होगा। 9 से 11 अगस्त के बीच में टेलीविज़न के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, और चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ये प्रचार कि आइए मिल करके हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, आइए मिल करके हम हर घर तिरंगा फहराएं, ये 9 से 11 के बीच होगा। 11 से 13 के बीच प्रभात फेरी, उसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले में इस पावन काम को आगे बढ़ाने का मनसा जो है, उस मनसे को आगे बढ़ाया जाएगा। और 13 से 15 के बीच सभी घरों के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, सभी संस्थाओं के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपितु आज इस बैठक में हम सब ने निर्णय लिया है। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन, NGOs, प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूट और प्रत्येक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से भी हर व्यक्ति, हर नागरिक को आज हम आह्वान करते हैं, उनका उनसे निवेदन करते हैं कि आइए हम सब मिलकर 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा फहराएं, ताकि यह जो आज़ादी का अमृत बेला है यह सफल हो सके और हम सब गर्व से कह सके कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक देश के हैं और भारत को किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसकी चिंता हम कर सकें। आज का विषय यही था, इसी की बैठक आज मैं लेने आया था। पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में यह काम चल रहा है, इस कार्यक्रम और इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं हर किसी से निवेदन करूंगा, मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मीडिया हमारा चतुर्थ स्तंभ है, उसके बिना लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, कि आप लोग भी इस अपील को हमारे आगे बढ़ाइए, ताकि हर घर तिरंगा ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, यह सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लैग कोड के विषय में भी अभी कविंद्र जी ने बताया कि फ्लैग कोड में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और उस अमेंडमेंट में किस प्रकार से ससम्मान हम झंडा फहरा सकते हैं,
इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी क्या संशोधन किया गया है यह भी जनता को अवगत कराएगी, ताकि हम झंडे को सम्मान भी दें और हम सम्मान के साथ झंडे को अपने घर पे फहराएं। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न इसी विषय से हो तो पूछिए। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। मैं आज ये मौका लेता हूं, मेरे बगल में हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दिग्गज कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने 25 जुलाई को जो कार्यक्रम किया लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने का, ये जो बाइक रैली निकाली, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे, ये अपने आप में अद्भुत था। मैं बहुत बधाई देता हूँ, एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, एक हिंदुस्तानी के नाते, कि जो अनेकों वर्षों से सबकी मनसा थी उस मनसा को पूरा किया। जो बहन ने सवाल पूछा कि हर घर तिरंगा कैसे पहुंचे और तिरंगा का सम्मान कैसा हो, यही हमारा ध्येय है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं चाहिए। देखिए, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं होता है, तिरंगा देश का है, तिरंगा राष्ट्र का है। और मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम राजनीतिक खींचातानी नहीं चाहते हैं। अभी यह कार्यक्रम जो है यह राजनीति से ऊपर है, यह राष्ट्र का कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक खींचातानी हो, कोई इसमें कोई कमेंट कर रहा है तो भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आओ मिलकर झंडा फहराएं, आओ मिलकर हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, तिरंगा हम सबका है। कांग्रेस के एक नेता का एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि देश को तिरंगा देने वाली कांग्रेस है, भाजपा तिरंगे पर जो है वो राजनीति करने जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, तिरंगा हम सबका है, तिरंगा हमारे देश का है, इसमें कोई पार्टी का काम नहीं। सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, आइए ना हम सब मिलके प्रयास करें और सबके विश्वास को जीते। पहली बार हुआ कि लाल चौक में इतनी भव्य रैली देखने को मिली, तिरंगा रैली देखने को मिली, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ट्वीट करती है और कहती है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी फोर्स कर रही है कि आप तिरंगा खरीदिए फिर लहराइए। देशभक्ति दिल में होती है, किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जाता। हम भी डिमांड वही कर रहे हैं, हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि दिल से हम झंडा फहराएं। 20 करोड़ घरों में हम प्यार के साथ हर घर तिरंगे इस जो अभियान है, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इस अभियान में राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें अगर स्थान है तो केवल राष्ट्रनीति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभाव को आगे बढ़ाने का है। अंतिम प्रश्न लूंगा मेरे फ्लाइट से। आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने कावड़ यात्रा पर जो है बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रियों पर जिस प्रकार से पुष्प वर्षा। देखिए, ऐसा है कि यह विषय हर घर तिरंगे का है, मैं किसी और विषय का जवाब दूंगा तो विषय भटक जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है भाजपा, और साफ तौर पर बल्कि सवाल आपसे मेरा ये है कि जो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि भाजपा सत्ता का नाजायज फायदा उठा रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, दूसरे पार्टी वाले क्या कहते हैं, वो उनका राजनीतिक विषय है। मैं नहीं चाहता हूं कि इतना पवित्र कार्यक्रम जो है या अभियान जो है वो राजनीति में फंसे, इसलिए आज कोई राजनीति नहीं, आइए मिलकर झंडा फहराएं। आप सबका बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा फहराएंगे हम, हर घर तिरंगा फहराएंगे हम, हर घर तिरंगा फहराएंगे हम, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम, हर घर तिरंगा फहराएंगे हम, भारत माता की जय।